अनेक तोहफे जब से ये सरकार बनी है उन्होंने दिए हैं और पंजाब नरेंद्र भाई मोदी के दिल के करीब है कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने पंजाब के ऐसे मुद्दे जो बड़ी देर से पेंडिंग थे, जैसे करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलना, काली सूची को समाप्त करना, लंगर से जीएसटी हटाना और 84 के कत्ले आम करने वालों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाना, इसके अलावा चारों साहबजादियों के बलिदान को पूरी दुनिया में पहुंचाना, वीर बाल दिवस की घोषणा करना, अनेक ऐसे काम जो पंजाब के लिए किए हैं, अलग अलग योजनाएं यहां आई हैं, इसकी जानकारी हर पंजाबी तक जाए। गुरदासपुर के अंदर एक विशाल रैली होने जा रही है। आज देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी की गुरदासपुर के अंदर एक विशाल रैली होने जा रही है। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के तहत पूरे देश भर में महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके तहत पंजाब की 13 की 13 लोकसभा हलकों में जनसंपर्क रैली जो है आयोजित की जा रही है और देश के अंदर 9 सालों में जो बदलाव आया है उसकी जानकारी हर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, उसका पूरी तरह से पार्टी ने एक अभियान लिया है। पंजाब की फेरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने पंजाब के ऐसे मुद्दे जो बड़ी देर से पेंडिंग थे, जैसे करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलना, काली सूची को समाप्त करना, लंगर से जीएसटी हटाना और 84 के कत्ले आम करने वालों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाना, इसके अलावा चारों साहबजादियों के बलिदान को पूरी दुनिया में पहुंचाना, वीर बाल दिवस की घोषणा करना, अनेक ऐसे काम जो पंजाब के लिए किए हैं, पंजाब में IIM आना, 2 एम्स आना, 22 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ना, यहाँ सांस्कृतिक मुद्दों को यहाँ एड्रेस किया गया, वहीं पंजाब के विकास को लेकर जो अलग अलग योजनाएं यहाँ आई हैं इसकी जानकारी हर पंजाबी तक जाए। आज अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उनका पंजाब के अंदर आना बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और पंजाब में BJP को ताकत मिलेगी। लगता है आज गुरदासपुर को कोई तोहफा मिल पाएगा जी? अनेक तोहफे जब से ये सरकार बनी है उन्होंने दिए हैं और पंजाब नरेंद्र भाई मोदी के दिल के करीब है। जब वो संगठन का काम करते थे तो पंजाब को, पंजाबियों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता, उसी का परिणाम है श्री करतारपुर साहब के कॉरिडोर को खोलना, उसी का परिणाम है काली सूची को समाप्त करना, उसी का परिणाम है 84 के कत्लेआम करने वालों को जेल तक लेके जाना। इसलिए आज के इस महाउत्सव में पंजाब तक मोदी सरकार द्वारा किए गए काम जाएं, इसका श्री गणेश गृह मंत्री जी के द्वारा होगा, उनका पंजाब की इस शहीदों की धरती, पवित्र धरती पे पूरे पंजाबियों की ओर से मैं स्वागत करता हूं। सनी देओल की बात की जाए तो सनी देओल भी आएंगे आज स्टेज पे दिखाई देंगे। सनी देओल उनके बेटे की शादी है भैया, आज ही शादी है। कोई शामिल नहीं हो रहा जी, कोई
बड़ा नेता कोई यही बता सरकार के कार्यक्रमों के अंदर केवल पार्टी के इतने बड़े नेता आ रहे हैं, वो पूरी जानकारी देंगे कि क्या हो पंजाब के लिए केंद्र ने क्या क्या किया।